بسم الله الرحمن الرحيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض खराब कर देना अफवाहें उड़ा कर बाजात कतल वारत का सबब बन जाता है बाजात बड़े बड़े दंगे फसा एक बंदा चिंगारी लगाए और मसल हजार बंदा कतल हो जाए बाद में पता चले गलत हुआ था लिहाजा कुरान ने कहा जो अफवाहें उड़ाते हैं उस ये सजा भी हो सकती है उसकी अफवाह की नौयत को देख के इसे पकड़ के कत्ल कर दो अगर ये बाज नहीं आता तो बुरा मुआशरा इसकी जद में आ सकता इसी तरह यह ये, ये भी एक मस्दाक है जमीन में फसाद बर्पा करना इसी तरह यह डाके डालना असले के जोर पर मसलन मनमानी करना बदमाशी करना ठीक है ये सारे के सारे क्या हैं ये अल्लाह और रसूल से जंग का मिजदाद और खुदा मंदम अब देखें इनकी सजाएं क्या बता रहे हैं अल्लाह इनकी सज़ा ये है आई यु तवज्जो फरमाइए लफ्ज होता है ऐलु यु कत्ल कर दिया जाए यु तशदीद के साथ इसका मतलब होता है इबरतनाक तरीके से मारो इनको ठीक है इबरतनाग तरीके मारो यानी सरेआम लटकाओ इनको ताकि इनके बाद जो प्लान कर रहे हैं यही हरकत करने के वो देख लें कि क्या होता है अभी हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमें अल्लाह से ज्यादा वेस्ट पर एतमाद है कि वो ज्यादा इंसानों के मुखल है ज्यादा ह्यूमन राइट्स को वो आ, उसका वो रिगार्ड करते हैं और फलान होते हैं चूंकि अल्लाह ताला कहता है ना तूने उसको देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना रब बनाया हुआ है माबूद बनाया हुआ है इसी तरह कुरान कहेगा तुमने उसको देखा है जिसने मुझे छोड़कर मगरिब को अपना रब बनाया हुआ है वेस्ट को रब बनाया हुआ है क्योंकि वो रब इसको फंड्स देता है वो रब इसको कर्जा देता है तो उसको रब बनाया हुआ है खुदा को रब नहीं बनाता अल्लाह को माबूद नहीं बनाता लिहाजा फिर हर चौखट पे सजदा करते हर तलबा चाटते हैं जाकर भीख मांग के लाके फखर करके बता रहे होते हमने बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया वहां पर हमने जनाब और डबो दिया कर्जा लेके मुल्क मिसाल के तौर पर ये सजाएं देखिए यु कत अर्ज किया मैंने एक है युक्तलु सिंपल फेल कत्ल कर दिया जाए युक इबरतनाक तरीके से कत्ल किया जाए अल्लबु एक खास तरीके से जो सलीब पे चढ़ाते सजा देते थे उसको भी इबरतनाक तरीके से उस दार पे चढ़ाया जाए तो खिलाफ़ ये तुकत्त अभी ये जितनी तशदीदे आ रही है ना युकत्तलु युसल्लबु तो कथ ताओ ये सब के तशदीदे हैं ये एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करने के लिए कि इबरतनाक तरीके से इनके हाथ और पैर काट दो अब ये सजाएं इनके मुख्तलिफ मवार इनकी तफसीलात हैं अब वक्त नहीं है कि सारी अर्ज करूं लेकिन जो मेन पॉइंट है यहां पर वो ये कि जो ये असले के जोर पर जमीन में बदमाशी करते हैं लोगों को लूट मार करते हैं डाके डालते हैं इस किस्म के काम करते हैं क्या तो करते हैं ये जब पकड़े जाए तो इनको इबरत बनाओ लोग देखें के ये इनको सजा क्या मिल रही यहां पे बरक्स हो यहां पर देखने की बात तो दूर की है वो कहते हैं सजाएं बहुत ही खत्म करो सरी कुरान के खिलाफ तो जब अल्लाह का दरबार लगेगा फिर इनकी हशर देखने में आएगा मगरब की दहशत में आकर और उनकी धोस में आकर मसला आप सजाए मौत खत्म करते हैं और जबकि अल्लाह कह रहे व्यातबाशला तुम पर किसास फर्ज कर दी गई वही लफ्ज है कुतिब अली कुमस्याम कल को वो धोस देंगे रोजे छोड़ दो वो भी छोड़ दो ठीक है ना अपने ऊपर कहेंगे कि वो तो पहले भी तो हमने छोड़ा था तो टेस्ट तो हम चख चुके हैं ये भी छोड़ देते आहिस्ता आहिस्ते जो अल्लाह कहते हैं ना ये तुमसे तब तक राजी नहीं होंगे जब तक अपना दिन छोड़ के इनकी रविश पे न चल पड़े पहले दिन ही बंदा खड़ा हो जाए और बच जाए इस काम से बजाइए कि आहिस्ता 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 हर चीज अपनी तर्क करके उन्हीं की गुलामी में इंसान चला जाए इनके हाथ और पैर मुखालिफ समतों से काट दिए जाए यानी एक तरफ का हाथ एक तरफ की टांग काट कर इनको छोड़ दिया जाए अब देखें तवज्जो फरमाइएगा इन सजाओं को जब इंसान तस्वर करता है एक दफा कहता है कि होए बड़ी सख्त सजा है लेकिन वो उसने वो नहीं देखा होता कि इसने जिसको मारा है उसके बच्चे उसकी बीवी या कितनों को मारा है उनके साथ क्या हुआ और वो अल्लाह ने जो सजा रखी जो खालिक है वो जानता हैं कैसे इबरत आएगी इंसान कैसे ये कंट्रोल होंगे ये बदमाश कैसे ये जराइम कम होंगे वो कह रहे कि तुम उ, उन जुल्मों को नहीं देख रहे जो इसने आज तक किए और इसकी हमदर्दी तुम्हें आ गई ये ऐसे ही है जैसे आ, सारी फिल्म में जो है वो जो विलन होता है वो मार पीट करता है लूट मार सब कुछ वो कर रहा होता है आखिर में जब उसको मार पड़ने लगती है तो तरस आ रहा होता है हम ऐसे अलग उस वक्त तर्स नहीं आना चाहिए उसको तब जो कर ये जो दुनिया के जालिम लोग हैं जो दुनिया के बड़े बदमाश है दुनिया के बड़े मालदार जिनकी मर्जी से आजकल जो चाहते हमारी मर्जी से दुनिया चले करप्ट लोग वो दुनिया को खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं वो अपनी मर्जी के मुताबिक तो वो वो कवानी बनाते आप आप तवज्जो फरमाए एक करप्ट हुक्मरान एक बदमाश जो लूट रहा है वो चाहेगा इस लूट मार के लिए कोई सख्त कानून बने वो तो कहेगा जिस सीट पे मैं बैठा हूं उसको इसतिसना मिलना चाहिए है ना कि इसको पकड़ी पकड़ नहीं की जाएगी ये खुदा के कानून में नहीं फिर रो रहे होते हैं करप्शन होगी करप्शन होगी जब अल्लाह की बात मानने का वक्त आता है उस वक्त कहते नहीं इधर से नहीं लेना कहीं और से लेना जब उसके नतीजे निकलते हैं फिर कहते है, फिर इस्लाम को ब्लेम करते भाई इस्लाम पे अमल कब हो रहा है कि ब्लेम करें इस्लाम को आप इस्लाम को तो आपने वही एक चंद रस्मों का नाम दे के साइड पे कर दिए उसे ब्लेम क्यों करते फिर मुखालिफ समतों से इनके हाथ और पैर काट दिए जाए या उन्हें जमीन से निकाल दिया जाए एग्जाइल शहर बदर कर दिया जाए मुल्क बदर कर दिया जाए ये मुख्तलिफ सजाएं या मुख्तलिवार तफसत का यानी वो फिकी किताबों में इनकी तफसत मौजूद है ये दुनिया में इनकी रसवाई है दुनिया में इबरत बनाना इन वजाबन अजीम और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है जिन्होंने ये मुसल्ह बदमाशियां की और कत्ल गारत। की